हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएल इंग्लिश एरा। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं अपने इस मोटिव के साथ, नो कटिंग नो एडिटिंग ओनली कंप्लीट स्टडी। आज हम करेंगे आरबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 4th द टेल ऑफ द विष्णुइस, जिसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसमें विष्णुइयों के जो गुरु हैं, गुरु जम्बेश्वर जी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब इसी स्टोरी का हम आगे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, द टेल ऑफ द विष्णुइस पार्ट 2। इन द 16th ईयर ऑफ हिज रीन इन 1730, द महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ। 1730 में अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष महाराजा अभय सिंह ने यह डिसाइड किया, निर्णय किया कि खुद के लिए एक महल का निर्माण कराया जाए, अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड अप ऑफ फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, जो कि जोधपुर के सुंदर प्रसिद्ध लाल पत्थरों से बना हो। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए बड़ी मात्रा में चुनने की आवश्यकता थी। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबेंडेंट इन दिस ट्रैक्ट। निसंदेह ही चूना पत्र है, इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बट इट हैड टू बी कर्ड, लेकिन इसको पकाना होता है, एंड द लाइम प्लेन्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, और चूने के भट्टों को बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता भी होती थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन दिस डेजर्ट। इस रेगिस्तान में बड़ी मात्रा में ईंधन का प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, देर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ विष्णुइस जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से लगभग 16 मील दूर ही विष्णोई बड़ी मात्रा में वहाँ पर वो रहते थे। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जंबाजीज प्रिसेप्ट्स नियरली 2.5 सेंचुरीज अगो। उन लोगों ने लगभग 250 वर्ष पूर्व जंबाजी के उपदेशों को स्वीकार कर लिया था, एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेज, और अपने गांव के पास हजारों खेजड़ी के पेड़ उन्होंने उगा लिए थे, पोषित कर लिए थे। एंड देर वॉज एक्सीलेंट लाइम स्टोन ट्रू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस खेजड़ली, और उनके गांव में एक गांव खेजड़ली के निकट श्रेष्ठ चूने के पत्थर के भंडार थे। एंड अभय सिंह दीवान ordered that, अभय सिंह के दीवान ने ये आदेश दिया कि the lime kilns be started near Khejadli to begin the construction of the palace. Palace के निर्माण के लिए Khejadli के पास जो चूने के भट्टे हैं उनको शुरू कर दिया जाए। But when the workers got ready to cut the trees for fuel, जब श्रमिक इन पेड़ों को ईंधन के लिए काटने के लिए तैयार हुए, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द विष्णुइस वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, कि विष्णुई उन्हें इन पेड़ों को छूने नहीं देंगे। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनके खेजड़ी के पेड़ों को अकेला छोड़ दिया जाए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, इन हरे पेड़ों को काटना उनके धर्म का उल्लंघन है। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, श्रमिक पुनः जोधपुर लौट गए। द दीवान वॉज इनरेज्ड,
दीवान क्रोधित हो गया। What insolence! ये क्या दृष्टता है? He personally accompanied the workers on horseback to Khejralli village and ordered that the trees be cut. वह व्यक्तिगत रूप से श्रमिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर खेजड़ली गांव गया और वहां आदेश दिया कि इन पेड़ों को काट दिया जाए। The axes were raised, कुल्हाड़ियां उठी and the whole village gathered. पूरा गांव वहां पर एकत्रित हो गया। They begged that उन्होंने प्रार्थना की their religion be not discredited, कि उनके धर्म को आप दूषित न करें। They pleaded for the preservation of trees. उन्होंने पेड़ों को बचाए रखने के लिए उनसे प्रार्थना की that their ancestors had nurtured over generation, जिन्हें के उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से उनका पालन पोषण कर रहे थे। But the divan was determined, लेकिन दीवान बहुत दृढ़ निश्चयी था। The trees must be cut to fuel the lime kilns. पेड़ों को ईंधन के लिए चूने के भट्टों को चलाने के लिए काटना ही था। He ordered the workers to go ahead. उसने श्रमिकों को आदेश दिया कि आगे बढ़ो। But the Bishnois were determined too. लेकिन बिश्नोई भी दृढ़ निश्चयी थे। And the most determined among them was a veritable incarnation of Durga Amrita Devi. लेकिन इन सभी में जो वास्तविक रूप से दृढ़ निश्चयी थी, उसका नाम क्या था? जो कि दुर्गा देवी का रूप थी, उसका नाम था अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई राम खोड़, जो कि बिश्नोई राम खोड़ की पत्नी थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट। इन पेड़ों को नहीं काटा जाएगा चाहे आप पहले हमें काट दो। शी सेड, उन्होंने कहा, यानी अमृता देवी ने कहा। एंड कॉलिंग टू हर थ्री डॉटर्स टू ज्वाइन हर, और अपनी तीनों बेटियों को उसका अपना साथ देने के लिए बुला लिया। दे क्लैप्स्ड फोर ऑफ द ट्रीज, वे सभी चार पेड़ों से लिपट गई। दीवान फर्म्ड, दीवान क्रोधित हो गया। एंड ऑर्डर्ड दैट, और ये आदेश दिया कि ऑल फोर ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, सभी चारों को पेड़ों के साथ ही काट दिया जाए। द एक्सेस फेल, एक्सेस कुल्हाड़ियां उठी। एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस, और वो बहादुर महिलाएं टुकड़ों में काट दी गई। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउट, लेकिन बिश्नोई फिर भी डरे नहीं। मोर ऑन मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, उनमें से और अधिक लोग आगे आए और पेड़ों के लिपट गए। टू बी कट डाउन विद देम, और उन्हें भी उनके साथ काट दिया गया। द न्यूज ऑफ दिस मैसकर स्प्रेड, इस नरसंहार की जो समाचार था वो बहुत तेजी से फैल गया। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज रस्ट फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प द ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आसपास के 84 गांवों के बिश्नोईज अपने भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए हजारों बिश्नोईज वहां पर आ गए। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोईज सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज। इन सभी के साथ 363 बिश्नोईयों ने अपने पवित्र विरासत की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट कुड कम टू सच ए पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटन्ड। महाराजा के लोगों ने, जिन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की स्थिति आ जाएगी, और वे वास्तव में डर गए थे। दे रस्ट बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, वे भागकर जोधपुर गए ताकि अभय सिंह को इस घटना के बारे में सूचना
दे सके। अभय सिंह saw clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such more courage. अभय सिंह ने यह स्पष्ट रूप से देखा कि वह शक्ति जिसने औरंगजेब की शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, ऐसे नैतिक साहस के सामने कुछ नहीं कर सकी थी। He personally wrote to Khejadli to mend matter। वह स्वयं सवार होकर खेजड़ली गांव गया ताकि इस पूरे मसले को सुधार सके। He assured the weeping, agonized mass of thousands of Vishnois। उसने हजारों विष्णुइयों को जो कि रो रहे थे, जो पीड़ित थे, उनको यह विश्वास दिलाया कि फ्रॉम नाउ अब से और ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, वह पूर्ण रूप से उनके धार्मिक सिद्धांतों का आदर करेगा। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वॉज प्रेजेंटेड टू बिश्नोईज, बिश्नोईयों को एक ताम्र पत्र इस वादे के साथ खुदवा कर दिया गया। हैंसफोर्थ इसके बाद द इंस्क्रिप्शन सेड, इस ताम्र पत्र में यह खुदवाया गया था कि नो ग्रीन ट्रीज वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेजेस, बिश्नोईयों के गांवों के पास में कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, नोर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और इनके आसपास कोई भी शिकार भी नहीं किया जाएगा, किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा। टू एंड हाफ सेंचुरीज हैव पास्ड सिंस दिस एपिसोड, इस घटना के लगभग 2.5 शताब्दियां बीत चुकी हैं। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, बिश्नोई अभी भी इन पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। Giving succor to the wild animals of Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh for nearly 5 centuries. और बिश्नोई राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के जानवरों की रक्षा लगभग 5 शताब्दियों से कर रहे हैं। Everywhere else, the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged. प्रत्येक जगह हरियाली भारतीय उपमहाद्वीप में नष्ट की जा रही थी एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉय एट एवर एक्सलरेटिंग स्पेस, और पहले की अपेक्षा और अधिक तीव्र गति से लगातार इसको नष्ट किया जा रहा था। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स have all vanished without a trace. हजारों हजारों काले हिरण जो कि इधर उधर मुक्त घूमते थे, कहाँ पर? इंडियन प्लेन्स यानी भारतीय मैदानों में, have all vanished without a trace. वो बिना किसी पद चिन्ह हो गए, बिना किसी निशानों के वैनिश्ड हो गए, गायब हो गए। But near the few Vishnois villages, लेकिन कुछ बिश्नोइयों के गांवों के नजदीक द ग्रीनरी नॉट ओनली प्रसिस्ट, ना केवल यहाँ पर हरियाली विद्यमान है बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, बल्कि यह वृद्धि पर भी है। एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बग्स रोम एज फ्रीली एज कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कर्णम, और वहाँ पर इन गांवों में काले हिरण इस तरह से मुक्त घूमते हैं जिस प्रकार कालिदास के समय में ऋषि कर्णव के आश्रम के नजदीक घूमते थे। अकबर वॉज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फ्री लेस ब्लैक बग्स नियर बिश्नोई टेम्पल, अकबर भी बिश्नोई के मंदिर के पास इन मुक्त काले हिरणों के झुंडों को देखकर भी आश्चर्यचकित हुआ, दैट कि ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर
at witnessing a scene from Satyug, the age of truth, in this Kalyug, the corrupt present. उसने भी इस भ्रष्ट कलयुग में सतयुग के इस दृश्य का साक्षी बनने के अपने आश्चर्य को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड किया, अभिलिखित किया। द साइट इज इवन मोर एस्टनसिंग फॉर अस टुडे देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर 4 सेंचुरीज अगो। 4 शताब्दियों पहले जितना यह दृश्य सम्राट अकबर के लिए आश्चर्यजनक था, उससे कहीं अधिक यह दृश्य आज हमारे लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि फॉर द विश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे। विश्नोईज आज भी इस शानदार दिन को पूरे जोश के साथ मनाते हैं। At the village Khejradli, where the Vishnois passed the supreme test of fire, Khejradli गांव में जहां पर विश्नोई इस बहुत ही कठिन परीक्षा में सफल हुए थे, there is one ancient Khejradi tree, वहां पर एक प्राचीन Khejradi tree है, which escaped that massacre, जो कि इस नरसंहार में बच गया था। 2 years ago, 2 साल पहले, the Vishnois planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs. 2 साल पहले बिश्नोइयों ने अपने 363 शहीदों की याद में, स्मृति में, वहां पर 363 नए पेड़ उगाए। And these trees being nurtured with love as they are growing फास्ट, और उन सभी पेड़ों को बड़े ही प्रेम के साथ पोषित किया गया और वह बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। भाद्रपद महीने की पूर्णमासी से 5 दिन पूर्व यहाँ पर एक प्रतिवर्ष धार्मिक मेला लगता है। इट इज एन ओकेजन, यह वह अवसर है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, जहाँ पर भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को वहाँ पर अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर इसे देखना चाहिए।